तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल NS ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कैसे कर सकते हैं। चाहे आपका मोबाइल किसी भी कंपनी का हो, जैसे सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी कंपनी का फ़ोन है, आप अपने एप्लीकेशन को ईजिली तरीके से हाइड कर सकते हो। और मज़े की बात यह है कि आप अपने एप्लीकेशन को हाइड होते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि दोस्तों, आपको यूज करने के लिए आपको उसको ऑन हाइड नहीं करना पड़ेगा, आप उसको हाइड होते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको A to Z आपको बताने वाला हूं। तो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना है अपेक्स लॉन्चर। यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको सर्च करना है। सर्च करने पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए हम इसको अब कट कर लेते हैं। अब अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन आ चुका है। तो अब चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ पर टच कर देता हूँ, टच करने बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच कर देना है। नेक्स्ट पर टच करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट पर टच कर देना है। इस तरह से फिर से एक बार नेक्स्ट पर टच कर देना है। इसके बाद आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा एस्कीप का, तो यहाँ पर एस्कीप कर देना है। स्किप करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर एस्कीप कर देना है। यहाँ पर प्लीज वेट का प्रोसेसिंग हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो अब इसको आपको टच कर देना है। जैसे यहाँ पर टच करेंगे दोस्तों, हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको यहाँ पर 2-3 सेकंड का, इसके बाद आपको मोबाइल में एक प्रोसेसिंग होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में ऑप्शन ओके हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने स्क्रीन पर ऐसे देर से टच किए रहना है। जैसे आपको देर से टच किए रहेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हिडन ऐप्स का। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिडन ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको और आपको टच कर देना है। जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐड हिडन ऐप्स, तो इस पर आपको टच करना है। आप यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारे के सारे एप्लीकेशन। इनमें से आप जो भी हाइड करना चाहते हो पहले उसको चूज कर लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए कोई एप्लीकेशन को चूज करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं मान लीजिए व्हाट्सअप को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं व्हाट्सअप वाले पर ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर देख सकते हो सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड वन ऐप, तो यहाँ पर मैं ऐप एक एप्लीकेशन को हाइड करके दिखाता हूँ, तो मैं इस पर टच कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एप्लीकेशन हाइड हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिल जाता है सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आपको टच करना है। जैसे यहाँ पर टच करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको इनेबल पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको एक जो कोई पैटर्न चूज कर लेना है, जो भी कुछ भी आपको डाल लेना है, जैसे आप जो कि मतलब जिस पैटर्न से आपको उस एप्लीकेशन को ओपन कर सके। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको एन करके ऐसे तरह से बना देता हूँ। यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन आएगा, इसको आपको कट कर देना है इस तरह से। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको गेस्टर नॉन यहाँ पर है, तो इस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पर चूज कर लेना है 2 फिंगर स्वाइप डाउन, यहाँ पर इस पर टच कर देना है। टच करने में तो ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो, अब इसके बाद आपको ये ऑप्शन भी आपको ऑफ कर देना है। ये जो ऑप्शन आपको है, तो ये इसको ऑन रहेगा तो ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको बैक आ जाना। अब चलिए मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ। अब आप मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे मोबाइल में देख सकते हैं व्हाट्सअप कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल जाता है। चलिए मैं यहाँ पर सर्च में भी कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ व्हाट्सअप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सअप मैं सर्च किया तो यहाँ पर बता रहे हैं मेरे मोबाइल में कहीं भी अपने जो व्हाट्सअप का एप्लीकेशन है कहीं भी नहीं है। तो अब आपको कैसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ये भी बताने वाला हूँ। तो अब चलिए, जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सअप की ज़रूरत है, आप मान लीजिए हाइड कर चुके हैं, तो अब आपको व्हाट्सअप की ज़रूरत है तो हाइड कर चुके हैं लेकिन आपको इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर टू फिंगर्स का जो ऑप्शन इनेबल किए हैं, तो उसको आपको इस तरह से
आपको इस तरह करना है। आप जैसे इस तरह करेंगे टू फिंगर का, तो अब आपको वही पैटर्न डालना है जो जिस समय आपको वो सेट किया है तो वही डालना। जैसे मैं यहाँ पर एन डाला हूँ तो वहाँ पर एन डाला हूँ तो एन कर देता हूँ, जैसे एन डालो एन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सअप का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ से आप चाहें तो इसको ऑन हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप वो इस्तेमाल करना है आपको तो यहाँ से व्हाट्सअप पर टच करना है। यहाँ पर मेरा जो है व्हाट्सअप है ये ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अगर आप चाहें तो यहीं से इसको ऑन हाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपको और भी एप्लीकेशन हाइड करना है जैसे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ऐड हिडन एप्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से टच करके और भी आप एप्लीकेशन हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को हाइड करके यूज भी कर सकते हैं। कोई भी आपको एप्लीकेशन लगता है कि हमें ये एप्लीकेशन हाइड कर देना चाहिए, और इसके अलावा आप यूज भी कर सकते हैं वो भी इजीली तरीके से। तो है ना मज़ेदार ट्रिक। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।